Hello students, welcome to Easy Biology Tutorials, and now we are going to start with the last chapter of our biology, that is our environment. And iske saath hamara jo syllabus hai biology ka 10th class ka wo sara khatam ho jayega. Let's start with our topic, that is our environment. So students, what is our environment? There are two types of ये चैप्टर जो है वेस्ट के साथ स्टार्ट हो रहा है. तो आई एम जस्ट मेकिंग यू इंट्रोड्यूस एट द फर्स्ट साइट विद द टाइप्स ऑफ वेस्ट. इन द टाइप्स ऑफ वेस्ट वी आर हैविंग द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर ऑफ बेस्ड ऑन द ब्रेकेबिलिटी. मतलब कि जो चीजें डीकम्पोज हो सकती हैं बैक्टीरिया के थ्रू दे आर द बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस, एंड जो नहीं हो सकती दे आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस. सो लेट अस स्टार्ट विद द बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस. दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब. जो बायोग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो क्या होते हैं, एक नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से ब्रेक डाउन कर देते हैं. दे चेंज देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ओवर टाइम एंड बिकम हार्मलेस. जैसे कि केले के छिलके हैं, एप्पल के छिलके हैं, वेजिटेबल वेस्ट है, कोई सीवेज है, किसी भी ह्यूमन बींग्स का, एनिमल्स का एक्सक्रीटरी मटेरियल है. व्हाट इज दिस? दिस इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस. एंड ये हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी किसी भी टाइप का नुकसान नहीं पहुंचा रहा है. दे डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करते हैं. एंड देयर एग्जाम्पल्स आर स्पॉइल्ड फूड, वेजिटेबल पील्स, पेपर, लेदर एक्सेट्रा. दीज ऑल आर द बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस. बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इन टू द नॉन पॉइजनस फॉर्म्स वेन एवर दे आर एक्टेड अपॉन बाय माइक्रोबियल एक्शन. नाउ द नेक्स्ट आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस. The non-biodegradable wastes, they cannot be broken down into harmless substances by any biological processes. किसी भी biological processes के through the non-biodegradable wastes cannot be broken down into harmless substances. For example, polythene है. Polythene cannot be acted upon by microbes. Microbes उन्हीं चीज के ऊपर act करते हैं जिनसे उनको कोई किसी type का nutrition मिलेगा. लेकिन हम बोल सकते हैं केमिकल्स से उनको किसी भी टाइप का कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता, इसलिए केमिकल्स के ऊपर वो एक्ट नहीं करते. दे रिमेन अनचेंज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑफ कोर्स दे आर हार्मफुल फॉर अवर एनवायरनमेंट. हमारे एनवायरनमेंट के लिए फिर ये क्या होते हैं, द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर वेरी वेरी हार्मफुल. ड्यू टू देयर इज नो चेंज इन देयर स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज ना होने की वजह से लगातार विद टाइम दे आर इफेक्टिंग अवर एनवायरमेंट एंड दे आर कन्वर्टिंग अवर एनवायरमेंट इंटू अ पॉइजनस फॉर्म एंड अ पॉल्यूटेड फॉर्म. दे कीप ऑन कॉन्टिन्यू टू पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल द ग्लास बॉटल्स, द मेटल कैंस, the polythene bags, the synthetic fibers, etc. These are the things that are not acted upon by microbes and thus are harmful to us and our environment, and they harm our environment because ye kya hai, ye harmful substances hai jo kabhi bhi degrade nahi hoti hai. Now what is an ecosystem?
An ecosystem is a self-contained area composed of different kind of organisms which interact with each other as well as with the physical conditions such as sunlight, air, water, soil and climatic factors prevailing in the area. ठीक है स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेन्ड एरिया जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं एंड ऑर्गेनिजम्स आर इंटरैक्टिंग विद द नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो टू लिव विद देयर और टू द सस्टेन देयर लाइफ इन द इकोसिस्टम और ऑन द अर्थ. सो स्टूडेंट्स, देयर आर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स. द फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचुरली फाइंड होता है, नेचुरली जो हमें मिलता है हमारे आसपास देखने को, दे आर द एक्वाटिक इकोसिस्टम लाइक पॉन्ड इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जिसको हम बना सकते हैं अपने हाथों से, कुछ भी बना सकते हैं. वी कैन मेक अ फॉरेस्ट, वी कैन मेक अ पार्क, वी कैन मेक अ एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वेरियम हो गया है ठीक है, या फिर किसी भी टाइप का हम बोल सकते हैं जू जो भी है. दे आर द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स. Ecosystems are of two types, the aquatic and the terrestrial. Aquatic के अंदर lake, sea, pond वाले जो ecosystems है वो आ जाते हैं. Terrestrial ecosystem के ऊपर plateau ecosystem, we can say mountain ecosystem and the forest ecosystem, ये सब आते हैं. ठीक है students, ecosystem होता क्या है basically? Ecosystem is a system of the organisms that are living in the close proximity with the abiotic components so that they can sustain their life. Now, components of the ecosystem, there are two kinds of components of the ecosystem. The biotic components, biotic matlab sare living components aate hain iske andar sare microbes aate hain, plants aate hain, animals aate hain and other components. And the abiotic components ke andar kya hota hai? जो भी हमारी एयर है, सनलाइट है, वाटर है, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं. एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बायोटिक कंपोनेंट्स टू लिव एंड सस्टेन देयर लाइफ, क्योंकि हमें पता है हम धूप, हवा और पानी के बिना जी नहीं सकते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर एसोसिएशन टू बी देयर इफ यू वॉन्ट टू सस्टेन अवर लाइफ. The biotic components are the living components of an ecosystem. They constitute the food obtaining steps or trophic levels of the ecosystem. Biotic components के अंदर students हमारे food steps आते हैं, food जो trophic levels होते हैं, food chain की नहीं मैं बात कर रही हूँ, food chain में तो हर एक organism आता है. फूड चेन एंड फूड वेब के अंदर तो हर एक ऑर्गेनिज्म आता है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ट्रॉफिक लेवल्स. द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज फॉर्म्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स, दे आर द ऑटोट्रॉफ्स. दे प्रोड्यूस द फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूड The formation of the food with the help of sunlight. इसके अंदर सारे जो green plants है वो आ जाते हैं, including the algae, including the green plants, herbs, shrubs as well as the trees. ठीक है, so autotrophs क्या है? The first trophic level of the ecosystem and they are also known as the producers. Producers भी बोलते हैं हम इनको. Now the trophic level 2. The second trophic level is of herbivores. Herbivores are the primary consumers क्योंकि ये herbs खाते हैं. Herbs like only vegetable, only plant parts and fruits. They do not eat animals or animal parts. ठीक है, ये animal parts और animal animals को नहीं खाते हैं, इसलिए they are the herbivores. They directly eat plants or their products such as leaves, grains, etc. for the food or suck plant sap from their leaves or stem. Students, herbivores के अंदर सभी आ जाते हैं, butterflies, mosquitoes, insects, birds, we can say cows, है ना, grazing animals, ये सारे herbivores हैं. They either eat the plant part or they suck the nectar, या फिर plant sap को suck करके ये क्या करते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपना energy लेते हैं, अपना खाना लेते हैं.
These includes the animals such as deer, rabbits, rats, pigeons, parrots, grasshoppers, bees, etc. Now the trophic level 3. ट्रॉफिक लेवल 3 के अंदर आते हैं हमारे कार्निवोर्स जो खतरनाक होते हैं, वो क्या खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, वो हर्बीवोर्स को खाते हैं, जो भी हमने देखा है बीज रैबिट्स पैरट्स डियर्स, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर द हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स इनको खा जाते हैं। दे कैप्चर देयर प्रे एंड ईट इट। कैप्चर देयर प्रे मतलब ये शिकार को पकड़ते हैं, उनको खा जाते हैं। दीज इंक्लूड्स टाइगर, वॉल्स, स्नेक, लिजर्ड्स, सर्टेन बर्ड्स एक्सेट्रा। सो दिस इज अवर ट्रॉफिक लेवल 3 कंसिस्टिंग ऑफ द कार्निवोर्स। नाउ स्टूडेंट्स, moving to the 3 to 4, I want to tell you one thing, ki carnivores and large carnivores. Carnivores kya ho gaye hain, je tigers wolves snakes hain, ye sab ye kya karte hain, ye herbivores ko khate hain. Jo large carnivores hain, they capture smaller carnivores and eat them. For example, the peacock eat rabbits, rats, snakes, eagles. Eagles भी ऐसे करते हैं। They also eat rabbits, rats, है ना? Snakes, even the snakes. So these are our 4 trophic levels. Trophic level 1 is the primary producer. Trophic level 2 is the secondary. Trophic level 3 is the tertiary. And trophic level 4 is the highest kind. टर्शरी से भी ऊपर, जिसको हम ओमनिवोरस टाइप बोलते हैं। सो प्रोड्यूसर्स हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, लार्ज कार्निवोर्स। सो अगर हम ऐसे देखें, फिर तो हमारे पास 4 ट्रॉफिक लेवल है एंड 4 ट्रॉफिक लेवल के अंदर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स ये सब आ रहा है, ठीक है। But if we have to continue or categorize the biotic components into only 2 types, then we have the 2 kind of organisms. The first kind of organisms are the autotrophs. Autotrophs jo khud khana banate hain apna, and the second kind of organisms are heterotrophs. Now there is another category, and this is not, there is these kind of organisms are not in any kind of trophic level. Ye trophic level ke andar nahi aate hain. What are they? Let us see. Parasites. The parasites are those organisms, they live inside or on the body surface of another organism called the host. जैसे कि जुएं हो गई, जुएं हमारे बालों में रहती हैं, तो host क्या है? हमारे बाल and human being. Human being are the host, parasite क्या है? जुएं. And obtain their food or nourishment from the host. And ये क्या करते हैं? हमारे ही अंदर या हमारे ही ऊपर रह के ये क्या करते हैं? नरिशमेंट लेते हैं, खुद तो नरिशमेंट लेते हैं, हमें क्या करते हैं? हमें वीक करते रहते हैं। वॉर्म्स विच लिव इन द गट्स ऑफ एनिमल्स एंड फ्लीज विच लिव ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स सच एज डॉग्स आर एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट्स। फ्लीज डॉग की स्किन पे रहते हैं एंड वॉर्म्स एनिमल के गट्स में रहते हैं। ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? दे आर द पैरासाइट्स। ये करते कुछ भी नहीं है, जो भी होस्ट है उसके न्यूट्रिशन को ये अपने अंदर खींचते रहते हैं। नाउ द लास्ट काइंड इन द बायोटिक कंपोनेंट्स आर द डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स को माइक्रो कंज्यूमर्स भी बोला जाता है, डेट्रीवोर्स भी बोला जाता है। And students, in the topic level 4, we are having the large carnivores. Basically, they are the saprophytes. Saprophytes भी हमारी फोर्थ कैटेगरी के अंदर भी आते हैं, क्योंकि दे ईट द कार्निवोर्स। एंड नेक्स्ट काइंड इज द डीकंपोजर्स। नाउ व्हाट आर डीकंपोजर्स? डीकंपोजर्स दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन दीज डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो भी मर जाता है, मरने के बाद उसके अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ दीज डीकंपोजर्स। These include the certain bacteria and fungi
वल्चर्स, काइट्स, क्रोस, सम इंसेक्ट्स एक्सेट्रा. ये सारे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है उसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उस ऑर्गेनिक मटेरियल से न्यूट्रिएंट्स ले लेके क्या कर देते हैं, उसको डीकम्पोज कर देते हैं. उसमें सिर्फ जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है वही छोड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स अगर मैं बात करूँ, द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर बोन्स. बोन्स आर लेफ्ट बिहाइंड एंड दे आर नॉट एक्टेड अपॉन और डीकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वाई आर दे डू नॉट decomposed by the microorganisms? Because bones are dehydrated. Microorganisms work in the environment where there is high temperature and high humidity. In the case of bones, the humidity is low. That's why it is not acted upon by us. Now students, the next is the abiotic components. Abiotic components are all the non-living components that are present in our environment. So सबसे पहले तो ये है sunlight, air, water, temperature and soil. हमें इनका function already पता है. Sunlight is the सूरज की किरणें जिससे हमें energy मिलती है. It is the greatest source of energy for life. Air के अंदर हमें oxygen चाहिए, plants को carbon dioxide चाहिए. वाटर के अंदर हमें पानी चाहिए. क्यों चाहिए? पानी हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, मेजर करता है एंड हमारे सारे जो लिविंग प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस के अंदर काम करता है. मोर ओवर इट आल्सो हेल्प अस टू काम आवरसेल्व्स. इट इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर्स इन द ऑर्गेनिजम्स. देन इज द टेम्परेचर. Temperature affects the distribution of living organisms in the environment. जितना temperature होगा, जैसा temperature होगा, वैसे ही organisms वहाँ पे उस area में रहेंगे. Soil provides the substratum for the growth of the plants. It contains water, mineral and nutrients such as sodium, potassium required by the plants. हाँ जी, तो soil क्या करते हैं? Soil mineral need को complete करते हैं. Minerals plants के पास पहुँचते हैं and plants से minerals हमारे पास पहुंचते हैं अल्टीमेटली. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग अवर फूड चेन. द सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड फूड चेन. फूड चेन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, सूरज प्लांट्स को क्या देता है? एनर्जी देता है. प्लांट से हर्बीवोर में, हर्बीवोर से कार्निवोर में, कार्निवोर से टॉप कार्निवोर में. सो दिस इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द एनर्जी एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द फूड चेन. सो लेट अस रीड अबाउट द एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन. इन अ फूड चेन अलोंग विद द फूड, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑल्सो अकर्स फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल to the other. The flow of energy which occurs along with a food chain is called energy flow. जो भी energy food chain के साथ flow होती है, that is known as the energy flow. All the energy used by the living organisms is obtained from the sun. As we know that sun is the biggest abiotic component, biggest source of energy. So all the energy that we have on this earth that plants use for their welfare or anything else, that everything is, every single part of energy is obtained from the sun. Hamein sun hi energy deta hai, फिर ही हमारी दुनिया काम कर सकती है. यू कैन सी, यू कैन इमेजिन, यू कैन नॉट इवन इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट सन. सूरज के बिना यहाँ का टेम्परेचर गिर जाएगा, यहाँ का मेटाबॉलिक रेट गिर जाएगा, कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा. सो बोथ द थिंग्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, बीइंग अ प्रॉपर वेदर. सन एंड मून बोथ आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हैव मेनी मेनी फंक्शंस इन द एनवायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, इन द ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड अदर. Thanks.
All the energy used by a living organism is obtained from the sun. Solar energy enters the living components through the autotrophs or green plants. However, only 1% of the total energy is actually captured by the green plants. हमारे पास जो photosynthetic active region होता है, that is only 1%. And this is a very, 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 very important question. पूरी जितनी भी सूरज से जो sunlight है नीचे आती है, उसमें से सिर्फ जो एक एक परसेंट है, दैट इज फोटोसिंथेसाइजेबल. The next point is the amount of energy gradually declines as one moves up to the next or the higher trophic level. Students, देखो कि plants की बात करते हैं. Plants, if they produced as at the 5000 kg of the biomass, ठीक है? And हमें पता है the plants are the first trophic level. First ट्रॉफिक लेवल. तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे क्या होगा स्टूडेंट्स? ये जो है मास जो भी प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया था, ये रह जाएगा 10, इसका 10वां हिस्सा. थर्ड ट्रॉफिक लेवल में जाके ये कितना रह जाएगा? दैट वुड बी लेफ्ट 50. फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के अंदर ये कितना रह जाएगा? ओनली 5. इसी क्वेश्चन की, इसी लाइन का ये मतलब है स्टूडेंट्स, दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी ग्रेजुअली डिक्लाइंस एज वन मूव्स अप टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल, बिकॉज एट ईच लेवल एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. हाउ? 5000 इसने प्रोड्यूस किया. इन्होंने जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग द हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स ने प्लांट्स को खाया, लेकिन उन्होंने रेस्पिरेशन करके बहुत सारी एनर्जी जो है वेस्ट कर दी. सो बचा क्या? 90% ऑफ द, दिस इज द 10% लॉ. 90% ऑफ द of energy is lost. 90% of energy is lost as heat. This is the 10% law. The amount of energy gradually declines as one moves up to the next higher trophic level, because at each level energy is lost in the form of heat. The loss of energy in food chains and the transfer of energy from one trophic level to the other can be explained by the 10% law, which states that only 10% of energy entering a particular trophic level is available for the transfer to the next higher trophic level. And that was all about that I explained you. कि अगर plant 5000 किलो की energy produce कर रहा है, herbivores के अंदर 500 किलो जाएगा, carnivores के अंदर 50 किलो जाएगा, and top carnivores के अंदर only 5 किलो रह जाएगा. This is the 10% law. बाकी की energy क्या जाती है, कहाँ जाती है? बाकी की energy, we know that the energy cannot be lost, cannot be generated or be lost, but the thing is that they can be converted into one form to another, and this heat jo hai energy hai that is formed, that is lost in the form of heat that we respire and by the other metabolic processes. Thank you students, that was all about today's class. I hope you got it. Iske baad hamara ek lecture aur reh jayega aur fir the syllabus will be completed. Till then, thank you students and have a nice day.